भाई ये हम आ गए दाखड़ी के रेस्टोरेंट पे अंदर, और ये देखो बॉक्सिंग का बना रखा है इन्होंने, ये बॉक्सिंग का देख रहे हो। और मुंडो ने देखो क्या करा है इसमें जाके भाई क्या रही अपना विक्रम भाई करो, मैं क्या नाम है भाई, वो है भाई लोकेश भाई, लोकेश भाई खड़े हुए हैं। ओ भाई वरुण भाई क्या हाल है भाई, कांग्रेचुलेशन भाई। अरे भाई और भाई साहब क्या हाल है भाई, अरे भाई साहब ये कौन चेहरा दिख रहा है देखना। हेलो भाई, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एक नए ब्लॉग के साथ, कैसे हो आप साहब। आज की राइड भाई करने जा रहे हैं हम, पता है कहाँ की, आज भाई जा रहे हैं हम 200 किलोमीटर अपने मीठापुर चौक। अभी मीठापुर चौक पे खड़ा हूँ मैं, सुबह का टाइम हो रहा है 4:30, और हम जा रहे हैं द ग्रेट खली पानीपत के पास। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर है द ग्रेट खली के ढाबे पे, तो भाई वहाँ जा रहे हैं। और ये अपनी खली भाई MT-15 देख सकते हो आप कैसी लग रही है भाई, लाइट जला रखी है, ऊपर कैमरा माउंट लगा रखा है, फ़ोन लगा रखा है, पर मेरी ना ये वाली लाइट ख़राब हो गई इसमें, देखो ये वाली है ना, ये लाइट जलती थी, ये वाली लाइट ख़राब हो गई है, तो भाई हो दोबारा लगवाएंगे ये वाली लाइट। अभी फ़िलहाल ये वाली लाइट जलती है बस, ठीक है। अभी MT-15 हमें खड़े मीठापुर चौक के ऊपर, और टाइम हो रहा है सुबह के 3:23, देख सकते हो फ़ोन में आप। और हम जा रहे हैं अभी द ग्रेट खली के ढाबे पर, अभी नितिन भाई का वेट कर लूँगा यहाँ पर, सुबह नितिन भाई यहाँ मिलेंगे, फिर लास्ट मिनट में पीयूष भाई और अज्जू भाई मिलेंगे। तो अभी मेरे को 10 मिनट हो गया भाई खड़े खड़े नितिन भाई का वेट करते करते, नितिन भाई आ रहे हैं घर से अभी, तो अभी जा रहे हैं भाई। सुबह का टाइम था 4 बजे मिलने का, पर कुछ ऐसा हुआ कि कोई कह रहा 4:30 बजे जाएंगे, कोई कह रहा 4:30 बजे जाएंगे, कोई कह रहा 5 बजे जाएंगे, तो अभी हम नितिन भाई का वेट कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा लेट कर दिया हमने, नहीं तो हम निकल जाते अभी 3 बजे करीब, 3 बजे यहाँ से निकलना था, तो मैं आ गया था यहाँ पे 3:05 आ गया था यहाँ पे। तो भाई चलते हैं और आगे देखते हैं अभी कौन कौन मिलेगा और कैसी राइड रहेगी, कैसा क्या रहेगा, वो आपको सब दिखलाएंगे आज के भाई। और अपना GoPro न्यू तो उसमें ब्लॉग बनेगा तो कुछ और ही अच्छा लगेगा, 4K की वीडियो। तो अभी जाना भाई मीटिंग पॉइंट पे, वही GT करनाल रोड, तो चलते हैं भाई और मिलते हैं आगे रास्ते में, ओके। तो भाई हम पहुँच गए मीठापुर चौक, पार कर दिया है नहर, और नितिन भाई आगे आगे चल रहे हैं, नितिन भाई अभी भी आए, हमने नहर पार करी अभी। और ये सामने ट्रक देख रहा हो भाई कैसा चल रहा है, मतलब नितिन भाई ने बताया कि ट्रक देखो कैसा चल रहा, तो मैं देख रहा हूँ भाई ट्रक देख रहा हूँ, 13 तिलछा ट्रक चल रहा है बिल्कुल 13, देख रहे हो इसका पहिए पीछे वाले कहाँ जा रहे हैं, आगे वाले कहाँ जा रहे हैं भाई, मैं तो अजीब ही देख रहा हूँ ये कैसा ट्रक चल रहा है, बेचारा ट्रक वाले को ही दिक्कत हो रही है। चलो भाई इससे आगे निकल लेते हैं, थोड़ा सारा सीन हो जाए हमारे संग। ये नितिन भाई चले आएंगे, ये चल रहे हैं, ट्रक आ रहा भाई पीछे, चलो चलते हैं भाई बदरपुर पर पहुँचने वाले भाई, और आगे अज्जू भाई मिलेंगे लास्ट नगर में, वहाँ पे फिर कैमरा ऑन करते हैं, और तब तक बंद कर देता भाई कैमरा, मिलते हैं आगे। चल दिया भाई अपनी जो जहाँ पे जाना है अपना मीटिंग पॉइंट की तरफ, और देखते हैं भाई मीटिंग पॉइंट पे कौन कौन सी बाइक मिलती है और कौन कौन से नए राइडर मिलते हैं भाई अभी। और हम जा रहे हैं अपने वही द ग्रेट खली, अभी सरायकालेखा पहुँचने वाले हैं, और सरायकालेखा के पहुँचने के बाद कश्मीरी गेट आएगा, फिर आएगा अपना बाईपास करनाल बाईपास, तो चल रहे हैं भाई अपन। और सामने अज्जू भाई जा रहे हैं सही है, और अपना नितिन भाई जा रहे हैं और पीयूष भाई जा रहे हैं, 3 बाइक चल रही है सामने। और भाई साहब सही बताऊं तो सुबह का बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और होता है यार, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं कि सुबह खाली रोड मिलता है और बाइक चलाओ भाई साहब, मज़ा ही कुछ होता है बाइक चलाने का, बिल्कुल ताज़ी ठंडी ठंडी हवा, हाय हाय इसे कहते हैं असली बाइक चलाने का मज़ा, सुबह के टाइम पे बाइक चलाने का मज़ा। चलो वो पहुँच गए हम अपने करनाल बाईपास, और यहाँ से लेफ्ट लेंगे तो करनाल बाईपास का रास्ता शुरू हो जाएगा, तो देख रहे हो भाई सुबह के 4:52 हो रहे हैं,
और आप पहुँचे भाई हम करनाल बाजबा। सुबह का निकल रहा हूँ 3 बजे का, मतलब घूमते टहलते आ रहा हूँ आराम से बिंदास होके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और भाई पीछे नितिन भाई और पीयूष भाई पीछे रह गए, अज्जू भाई मेरे पीछे आ रहा है, वो किसी काम के रुक गए थे, हवा वगैरह भरवानी होगी पेट्रोल पम्प पे, इसलिए रुक गए थे भाई। और अब पहुँचे हैं भाई हम करनाल बाईपास और आगे देखते हैं भाई कौन कौन अपने मोहित भाई आए नहीं आए और कौन कौन से राइडर भाई आए वो भी देख लेते हैं भाई। तो अभी थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे थोड़ी सी देर के बाद यहाँ से दोबारा। और भाई देख रहे हो बारिश के चक्कर में सारे रोड ख़राब हो रखे हैं, सारे रोड ख़राब हो रखे हैं, 3-4 दिन से लगातार बारिश आई है और इतने ख़राब रोड हो रखे हैं भाई जिसकी कोई सीमा नहीं है यार। और ये कूड़े का पहाड़ आ गया राइट साइड में, तो आपको दिख नहीं होगा क्योंकि अंधेरा इस टाइम। और भाई 4:53 होते हैं, हम पहली बार आए हैं भाई इतनी जल्दी यहाँ पे, ये तो हमेशा 5 बजे के बाद ही आते हैं। देखते हैं आगे कौन कौन खड़ा है, अगर नहीं खड़ा होगा तो फिर यहाँ रुकेंगे राइट साइड में चाय की जिसकी वगैरह लेंगे। और अभी फ़िलहाल तो आगे चल देते हैं, देखते हैं कोई खड़ा ही नहीं खड़ा, फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा मेरे को खड़े हुए। अरे तो है भाई बंदे। तो भाई अपने राइडर भाई आगे खड़े हुए हैं बंदे, 3-4 बंदे खड़े हुए हैं राइडर भाई, और पता नहीं कौन कौन आया हुआ है। ओहो पूरा काफिला खड़ा है अपना, तो वो भाई पीछे रुके हुए हैं। और विक्रम भाई क्या आ रही है अपना, विक्रम भाई करो मैं क्या नाम है भाई, वो है भाई लोकेश भाई खड़े हुए हैं। ओ भाई वरुण भाई क्या हाल है भाई, कांग्रेचुलेशन भाई। अरे भाई और भाई साहब क्या हाल है भाई, अरे भाई साहब ये कौन चेहरा दिख रहा है देखना, कांग्रेचुलेशन। अरे भाई आपको भी भाई, आपको भी आपको भी, अब तो 2 पालती हो गई भाई, 2 पालती बन गई। हाँ और भाई क्या हाल है दोस्त, बढ़िया। अरे छोटू क्या हाल है भाई, तभी तो बनाएंगे भाई अपना पूरा लाइनअप लगा हुआ है, देख रहे हो भाई सारी भाई खड़ी है और सारे बंदे भाई अपने राइडर भाई आए हुए हैं, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। तो भाई लोगो हम चल दिए अपनी राइड की तरफ, देख रहे हो भाई सारे बंदे तैयार है, देख रहे हो पीयूष भाई करे, अज्जू भाई करे, नितेश भाई करे और ये आगे के सारे राइडर भाई करें, तो भाई चल रहे हैं अपनी राइड की तरफ। और ये देख रहे हो विक्रम भाई फुल एक्साइटमेंट में, विक्रम भाई खड़ा हुआ है। और ये देखो आर्मी वाली आर्मी की तरफ जा रहे हैं भाई, जय हिंद सर, आर्मी की तरफ जा रहे हैं भाई। और ये भी भाई सब रेडी खड़े हैं और सारे अपने राइड पर रेडी खड़ी है भाई। तो भाई लोग चल दिया है भाई अपन अपने जो जहाँ पे जाना है डा खरेट खली जी के ढाबे पे, और सारे राइडर भाई आगे निकल गए और बाकी थोड़े बहुत पीछे आ रहे हैं। तो भाई आज का लाइनअप जो होने वाला है बहुत तगड़ा होने वाला है, और हम अभी जा रहे हैं भाई कलनार से भी आगे, वो सोनी पटाएगा पानी पटाएगा फिर कलनार आएगा फिर उससे भी आगे 130 किलोमीटर है लगभग यहाँ से, और घर से आए हम तो 50-60 किलोमीटर वो है, तो लगभग 200 किलोमीटर की राइड है एक तरफ की। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, बने रहिए वीडियो की एंड तक। और अभी थोड़ा अंधेरा है, थोड़ा उजाला हो जाएगा तो और भी मज़ा आएगा भाई देखने में, और कौन कौन सी बाइक है वो आपको लाइनअप में दिखला दूंगा मैं थोड़ा उजीरा होने पे, क्योंकि अभी अंधेरा हो रहा है, कुछ बाइक दिख समझ नहीं आ रही, कोई दिख नहीं रहा कैमरे में सही से, रिकॉर्ड हो नहीं रहा, तो भाई कैसे ही कर सकते हैं। तो मिलते हैं आगे आगे लाइट पर। तो भाई लोगों हम अभी रास्ते में रुके हुए हैं और एक दो बंदे पीछे आ रहे हैं, उनको वेट कर ले। तो ये देख लो भाई अपना लाइनअप, 1 2 3 4 5 6
छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह बाइक और एंटॉय यहाँ खड़ी हुई हैं, और अभी दो तीन पीछे आ रही हैं भाई। विक्रम भाई आ रहे हैं और वो आ रही है पर्स आ रही है, तो अभी रुके हुए उनके लिए, तो चलते। तो भाई लोगों पहुँच गए हैं हम मुल्थक, और ये देख सकते हो भाई सारे ढाबे चल रहे हैं, गुलशन दा ढाबा, मन्नत और माइलस्टोन, भाई सारे ढाबे चल रहे हैं साइड, और हम पहुंच गए मुल्थर और हमें जा रहे हैं डाखली। तो भाई साहब काफ़ी मज़े आने वाले हैं, और हमारे जो कुछ राइडर्स हैं पीछे रह गए, कुछ राइडर्स हैं आगे हैं, अभी टोल पे खड़े हुए हैं कुछ राइडर्स, तो अब उनके पास जा रहे हैं भाई। तो हो जाता है आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि स्पीड में बाइक चलती है। और भाई साहब बाइक चलाने का कोई जो मज़ा है ना भाई इस रोड पर, वो फुल इंजॉय मज़ा मिल रहा भाई इस बाइक उस रोड पर बाइक चलाने का, यार मज़ा आ रहा है। ये आ गया भाई टोल, और हम पहुंच गए भाई अभी मूलथल से आगे पहुंच गए, और भाई टोल के पास पहुंच गए हम। तो थोड़े बहुत राइडर तो है आगे खड़े होंगे भाई, और थोड़े पीछे आ रहे हैं भाई, तो आगे पीछे हो गए भाई हम लोग, और अभी तो काफ़ी लंबा जाना भाई हमें। वैसे तो मुल्थक तक आते हैं, आपने जब भी राइड करी हमने अभी आज तक मुल्थक तक करी है भाई मैंने यहाँ की। ये देखो भाई अपना लाइन अप लगा हुआ है, अपने सारे राइडर भाई खड़े हुए हैं। और भाई कैसा लग रहा पीस भाई, कैसा लग रहा भाई, कैसा लग रहा भाई, कैसा लग रहा भाई, बढ़िया लग रहा है। तो भाई ये सारे लाइनअप भाई अपना, और ये टोल सामने देख रहे भाई, क्या ग्रेट थ्री का डावा दिख गया भाई, और सारे राइडर भाई ठीक है, हम तीन राइडर आगे आ रहे थे, और भाई काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई पहुँच गए हम, और भाई लोगों कैसे हो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहाँ लगा रहे हो, अंदर लगाओ ना भाई के। तो भाई लोगों देख रहे हो डैग रेट थ्री के ढाबे पे पहुंच गए भाई, और देख रहे हो सब मजे ले रहे हैं एक दूसरे से, सब इंजॉयमेंट कर रहे हैं भाई। भाई ये हम आ गए दाखड़ी के सन पे अंदर, और ये देखो बॉक्सिंग का बना रखा है उन्होंने, ये बॉक्सिंग का देख रहे हो, और बुड्ढो ने देखो क्या करा है इसमें जैकेट वगैरह डाल दिए सूखने के लिए, और हेलमेट लगा दिया है भाई देख रहे हो, और ये जैकेट वगैरह डाल दिए है देख रहे हो भाई, रेसलिंग का ये जैकेट सुखाने का नहीं है देख रहे हो, बंदे ने क्या बॉली चेंज कर दिया इसको, सही है भाई बढ़िया बढ़िया। तो फाइनली गाइस हम द ग्रेट खली के ढाबे से बाहर निकल गए हैं अपना ब्रेकफास्ट करके, और अंदर हमने खाया आलू का पराठे, पनीर का पराठा और चाय और कॉफ़ी। तो भाई बहुत अच्छा टेस्टी खाना था यहाँ का, और अच्छे पराठे थे और चाय भी अच्छी थी। तो ये है अपना द ग्रेट खली के ढाबा, आप भी आ सकते हो, ये मूलथर के आगे सोनीपत से और पानीपत से भी आगे, कन्नार से भी आगे पड़ता है आपका, लगभग दिल्ली से 160 किलोमीटर। तो भाई यह है अपना लाइनअप, ये सारे अपन ने अपने लाइनअप पर सारे लिखा हुए हैं, और सब वीडियो शूट वगैरह कर लें। तो ये था आज का अपना द ग्रेट खली के ढाबे का ब्लॉग, कैसा लगे आपको कमेंट में बताना ज़रूर। और अब यहाँ से घर जा रहे हैं भाई, घर की तरफ देखते हैं। तो भाई लोगों हम चल दिए हैं भाई घर की तरफ, और ये था अपना द ग्रेट खली का ढाबा, और अब जा रहे हैं घर की तरफ, और अभी देखते हैं भाई घर कितनी देर में पहुंचेंगे, मेरे ख्याल से लग जाएगा 2-2.5 घंटा, क्योंकि हम बहुत दूर हैं 200 किलोमीटर लगभग, हमें अभी कन्नार से आगे। तो रास्ते में अब तो कोई ब्लॉक शूट नहीं होना, ना कोई रील वगैरह, सब भगानी है इसको बाइक। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक में, और नेक्स्ट ब्लॉक में देखते हैं कहाँ जाएंगे, कहाँ का राइड करेंगे, अभी कोई फिक्स नहीं है फ़िलहाल। तो अभी यह राइड हमने कम्प्लीट कर ली है अपनी, और काफ़ी इन्जॉयमेंट मिला, काफ़ी अच्छा लगा,
तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और नेक्स्ट लाइफ पे। जब जब के लिए जय हिंद और बाय बाय दोस्तों।